उत्तराखंड में जीएसटी चोरी को लेकर अब टैक्स कमिश्नर ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जीएसटी चोरी को लेकर टैक्स कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ में लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जीएसटी चोरी के मामले में जो लोग सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में टैक्स कमिश्नर ने कहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने देहरादून में एक फेमस सूबबार रेस्टोरेंट में कुल 1.25 करोड़ की चोरी पकड़ी है और उसके बाद हमने बाकी सारा डेटा नियमित किया है। जितनी उसमें जानकारी दी गई है उतने डेटा को कानूनी रूप से दर्ज किया है। वहीं कुछ दिन पहले लगभग 5 करोड़ की चोरी के मामले में जीएसटी डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई की थी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दो दिन इस पर कार्रवाई की है। ठीक एक है, तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापेमारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जरूर, बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है।